Hey everyone, welcome back to my channel Living Art with Shree. Guys, आप लोगों को टैगलाइन देख के पता ही चल गया होगा आज मैं एक एनिवर्सरी गिफ्ट DIY करने वाली हूँ. सो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए कि मैंने किस तरह से इस DIY को कंप्लीट किया है. और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी कमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो आज का जो वीडियो है उसको आप ध्यान से देखिए, उसमें मैंने कुछ छोटी छोटी बातें आपको क्ले से रिलेटेड बताई हैं. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास बॉटल लिया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल है, आप लोग देख सकते हैं. तो इसका जो शेप है थोड़ा ओवल शेप का है और जो साइड में आप लोग देख सकते हैं कुछ टेक्सचर भी हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जेसो अप्लाई कर रही हूँ. आप लोगों को पता ही जेसो एक बेस कोट है जो हमारे बेस को पेंट रेडी करता है. तो मैं जेसो का हमेशा दो कोट अप्लाई करती हूँ ताकि ये ज़्यादा अच्छे से मेरे पेंट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर सके. तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा जेसो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया है. अब मैं यहाँ पे क्ले वर्क करने वाली हूँ. उसके लिए मैंने फेविक्रिल कलर मोल्डेड क्ले लिया है. तो इसमें दो पैकेट्स होते हैं, एक में हार्डनर होता है, एक में रेसिन बेस होता है. तो इन दोनों को ही मिक्स एंड मैच करके मैं एक स्मूथ डो बनाऊंगी और वो डो हमारा स्टिकी ना हो. इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेलकम पाउडर यूज़ किया है. आप लोग कोई सा भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप बेबी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर दिया है. अब मैं यहाँ पे क्ले वर्क अपना करने वाली हूँ. मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो इस वजह से मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करा हुआ है, बट आप लोगों को इजीली दिख जाएगा कि मैं अपना क्ले वर्क किस तरह से कर रही हूँ. तो यहाँ पे अभी मैंने कोई भी टूल यूज़ नहीं किया है, विद द हेल्प ऑफ माई हैंड. यस, अपने हैंड की हेल्प से ही. और ये जो मेरे ब्रश हैं, थोड़ा सा टूथपिक्स हैं, मतलब जो घर में ही चीज़ें मुझे इजीली अवेलेबल हो उन्हीं को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे अपना वीडियो आज कंप्लीट किया है. मैंने अपना जितना भी क्ले वर्क है उन्हीं की हेल्प से किया है, आप लोग देख सकते हैं. तो क्ले वर्क को करते हुए हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारी क्ले ड्राई ना हो. तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो कम क्वान्टिटी में लें. इनकेस आपने ज़्यादा क्वान्टिटी में ले लिया है तो आप लोग एक कपड़े को गीला करके उसके अंदर अपने क्ले को स्टोर कर सकते हैं जब तक आप वो क्ले वर्क कर रहे हैं. जैसे मैंने भी अभी जैसे मेरा क्ले वर्क चल रहा है तो मैंने अपने डो को एक गीले कपड़े के अंदर रखा हुआ है और जब जब मुझे ज़रूरत पड़ रही है तब तब मैं उस कपड़े के अंदर से क्ले निकाल के उसको यूज़ कर रही हूँ. तो आप लोग देख सकते हैं टूथपिक की हेल्प से मैंने यहाँ पर गर्ल के हेयर ड्रॉ किए हैं. अब मैं ब्रश की हेल्प से, ब्रश का जो मेरा पीछे का टिप होता है उसी की हेल्प से मैं यहाँ पे गर्ल्स के हेयर्स को शेप दे रही हूँ. अब यहाँ पे बॉयज़ की टर्न है, बॉय की टर्न है. तो आप लोग देख सकते हैं कि बॉय के लिए भी मैंने यहाँ पे कोई टूल यूज़ नहीं किया है, सिर्फ अपने हाथों से ही क्ले को शेप दे रही हूँ इस तरह से ताकि वो एक बॉय का फेस लगे. और सेम वही टूथपिक की हेल्प से ही मैं यहाँ पर उसके हेयर ड्रॉ कर रही हूँ. तो आप लोग देख सकते हैं कि टूथपिक का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है. अगर आप लोगों के पास टूथपिक नहीं है तो आप लोग जो हमारे घर की नीडल होती है, सुई धागा जिसे बोलते हैं, आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे मेरा गर्ल एंड बॉय कंप्लीट हो गया है. अब मैं यहाँ पे इसका आउटलाइन बना रही हूँ और आउटलाइन में टेक्सचर देने के लिए अगेन मैंने यहाँ पे टूथपिक का यूज़ किया. तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ईजी टेक्सचर मैंने यहाँ पर इस आउटलाइन को दिया है. अब जो मेरे ये खाली स्पेस बच गए यहाँ पे मैंने ये कुछ हार्ट शेप ले लिए हैं. ये हार्ट शेप मैंने कुकी कटर की हेल्प से बनाए हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं. और इस तरह से जहाँ जहाँ पे भी मेरी बॉटल खाली है वहाँ पे मैंने ये हार्ट स्टिक कर दिए. तो मैंने यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ किया है. आप लोग क्राफ्ट ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं. तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर सारे हार्ट शेप्स जो हैं उनको स्टिक कर देंगे. तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे कंप्लीट कर दिया है. नाउ लेट्स कम टू द कलरिंग पार्ट. तो यहाँ पे मैंने कुछ चॉक पेंट्स लिए हैं, कुछ मैंने एक्रिलिक कलर लिए हैं. तो मैंने मिक्स एंड मैच करके अपने इस बॉटल को कंप्लीट किया है. तो कलरिंग पार्ट गाइस आपके ऊपर है टोटली, आपको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से आपको कलर करना है वो सारा आपके ऊपर है. आपको आपकी क्या चॉइस है, किस तरह से आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं वो आपके टेस्ट के
ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरी बॉटल को कलर कर लिया है और अब मैं यहाँ पे गर्ल और बॉय को कलर कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे गर्ल एंड बॉय कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं ये जो दिल है मेरे, इनमें रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो जो ये भी पूरे हार्ट शेप्स हैं जितने भी हैं मेरे आगे पीछे लगे हुए, इनमें सब में मैंने रेड कलर अप्लाई कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये अभी से। तो या अब जो इनकी आईज़ और नोज़ के लिए और लिप्स के लिए है, मैं यहाँ पे ब्लैक परमानेंट मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 000 ब्रश, जो राउंड ब्रश होते हैं उनकी हेल्प से। और यहाँ पे जो इनके ब्लशेज है चीक्स में, उसके लिए मैं एयरबड का यूज़ कर रही हूँ और लाइट पिंक करके मैंने यहाँ पर इनके ब्लशेज बना दिए हैं। और इसकी ब्यूटी और एनहेंस हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे पर्ल मेटेलिक गोल्ड लिया है और फिंगर टिप की हेल्प से मैं यहाँ पे इसमें गोल्डन कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं सो बहुत इजी है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। थोड़ा सा मैं आपको पास का भी लुक दूंगी, देखिए गाइस। यस, तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जितना भी गोल्डन पार्ट था मैंने अपना कंप्लीट कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं बॉटल में ऑलरेडी इतना अच्छा टेक्सचर बना हुआ है। तो जब मैं उस पर गोल्डन कलर अप्लाई कर रही थी ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, तो मुझे तो ये बॉटल बनाने में बहुत मज़ा आया। आप लोग को ये बॉटल देखने में कैसे लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है बट यहाँ पे मैं वार्निश अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मेरा पेंट है, जो मेरे कलर्स हैं वो अच्छे से सील्ड हो जाए। सो या दैट्स इट। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।